ऋतिक रोशन की नई फिल्म आ रही है फाइटर, इसमें वो पहली बार दीपिका पादुकोण के साथ काम कर रहे हैं। इस पिक्चर की तीसरी यूएसपी ये है कि इसे पठान वाले सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। आज फाइटर का पहला गाना रिलीज किया गया, इसका नाम है शेर खुल गए। एकदम पार्टी सॉन्ग है। जब इस गाने का टीजर आया था तो इसे बैंग बैंग के टाइटल ट्रैक वाली वाइब आ रही थी, मगर पूरा गाना देखने पर ये बैंग बैंग और घुंघरू टूट गए का मिक्स लगता है। सीधा सीधा बोले तो गाना बिल्कुल फ्रेश नहीं लगता। वैसे सिद्धार्थ आनंद की फिल्मों पर कॉपी पेस्ट करने का आरोप लगता रहा है, मगर उनकी खासियत यह है कि उन्हें अपने एक्टर्स को प्रेजेंट करना आता है। उन्हें पता है कि उनका एक्टर किस रोल को फोड़ सकता है। जैसे डांस ऋतिक का फोर्टे है, सिद्धार्थ ने उनसे बैंग बैंग करवाई, वॉर में घुंघरू टूट गए और जय जय शिव शंकर जैसे गाने दिए जो उनकी उस काबिलियत को कैश इन करने का काम करते हैं। फाइटर के गाने शेर खुल गए में आप पाएंगे कि कोरियोग्राफी बहुत ही बेसिक सी है, मगर ऋतिक रोशन जब नाचते हैं तो वो मक्खन जैसे स्मूथ लगते हैं। लगता ही नहीं है कि वो डांस स्टेप्स उनसे कोई करवा रहा है। आपको लगता है कि वो आदमी बिना किसी कोरियोग्राफी के इतना नाच लेगा, तो कुछ ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिसमें आप ऋतिक रोशन को छोड़ दें कि आपको जो आता है जैसे आता है वैसे नाचें। इस गाने की एक और सुंदर बात यह है कि इसमें ऋतिक और दीपिका एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनकी जोड़ी जच रही है। कमी बस ये लगती है कि ऋतिक रोशन को कहीं एक जगह भी सोलो नाचने का मौका नहीं दिया गया। जहां भी उनके स्टेप्स आ रहे हैं उसमें इतने जंप कट्स लगाए गए हैं कि ध्यान भटक जा रहा है। ये तो हुई वीडियो की बात, मगर गाना ठीक ठाक सा है, नया है, मगर ऐसा भी नहीं है कि आपके एक बार सुन लें तो आपके दिमाग में चढ़ जाए। जबकि शेर खुल गए को भी उसी तिकड़ी ने बनाया है जिन्होंने बेशरम रंग और झूमे जो पठान ने बनाया था। विशाल शेखर ने कंपोज किया है और कुमार ने लिरिक्स लिखे हैं। विशाल दादलानी, बेनी दयाल और शिल्पा राव ने मिलकर गाना गाया है। बावजूद इसके ये गाना पठान के गानों जितना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा। फाइटर एक देशभक्ति रियल एक्शन फिल्म है। इसके प्रमोशन की शुरुआत एक पार्टी नंबर से करना बहुत ही हिम्मती कदम है, क्योंकि अमूमन मेकर्स इस तरह के मामलों में नेशनलिस्ट एंगल चुनते हैं, क्योंकि आज के समय में वो ज्यादा बिकता है। मगर सिद्धार्थ आनंद ने ऐसा नहीं किया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। हालांकि उनकी फिल्म में हीरो को और तिरंगा वाला एक फ्रेम जरूर रहता है, मगर वो उसे ओवरसेल नहीं करते। शेर खुल गए पहला गाना है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में फिल्म से एक और गाना रिलीज किया जाएगा जो कि फिल्म के मूड को बेहतर तरीके से सेट करेगा। खैर, फाइटर में ऋतिक और दीपिका के साथ अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबेरॉय और संजीदा शेख जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद की प्रोडक्शन कंपनी मॉर्फ्लिक्स एंटरटेनमेंट के तहत बनने वाली ये पहली फिल्म है। इसे खुद सिद्धार्थ ने डायरेक्ट किया है। फाइटर 24 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस खबर को लिखा था हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं शिवानी। सिनेमा से जुड़ी हर खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।